समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की दो लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार तय कर लिए हैं। खबरों के मुताबिक पार्टी सूत्रों ने बताया कि आजमगढ़ में पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिए जाने की पूरी संभावना है, तो वहीं रामपुर से पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की पत्नी तजीम फातिमा का टिकट पक्का हो गया है। हालांकि सपा की ओर से फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना 30 मई को जारी की थी। इसके लिए नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। इन दोनों सीटों पर 23 जून को मतदान होगा और 26 जून को नतीजे साफ हो जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि क्या इन्हीं दो नामों पर सपा जाएगी या फिर अभी किसी और नाम को सामने लाया जा सकता है। फिलहाल बीजेपी के रामपुर से खयाली राम लोबी और आजमगढ़ के से एक बार फिर से निरहुआ को मैदान में उतारा है।